ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक अध्यक्ष संसार सिंह राणा की अध्यक्षता में होटल ताज में आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त पर्यवेक्षक व प्रभारी बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र धर्मेंद्र धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक किशोरी लाल विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए तथा बूथ स्तर को सुदृढ़ करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैजनाथ क्षेत्र के प्रभारी एवं पीसीसी सचिव धर्मेंद्र धामी ने कहा कि बैजनाथ चुनाव क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जाएगा तथा हम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छे वर्करों को प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने वर्तमान सरकार को विफल सरकार भी करार दिया तथा कांग्रेस को विकास के नाम पर जानने वाली सरकार करार दिया। बिलासपुर में स्थित साइंस स्पोर्ट्स हॉस्टल में हिमाचल प्रदेश के राज्य खेल वॉलीबॉल को बंद कर खिलाड़ियों को जम्मू के साई हॉस्टल में परिवर्तित करने के निर्णय की प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश चौहान ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिला बिलासपुर से संबंधित होने के उपरांत भी हिमाचल प्रदेश की शान राज्य के वॉलीबॉल खेल की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। बिलासपुर में स्थित वॉलीबॉल खेल बंद करना भाजपा के लिए शर्मसार है। हिमाचल प्रदेश में साइंस स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर खोला गया था, जिसमें अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक गर्व का विषय है। मगर इस उपलब्धि को भाजपा केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश से छीन लिया, जो कि प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। बिलासपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक केडी हिमाचली ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल में 3 तलाक के केस बेहद कम हैं। बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों से एक एक मामला हो चुका है, लेकिन ये आंकड़ा देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहद कम है। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित बिल के बाद मुस्लिम महिलाओं ने राहत की सांस लिया और इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मोदी सरकार से देश में सिविल कॉमन कोड लागू करने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि 3 तलाक बिल पारित होने पर देश भर में मुस्लिम समुदाय में महिलाओं में खुशी की लहर है। उन्होंने विशेष तौर पर डॉक्टर इंद्रेश कुमार का तहदिल से आभार जताया, जिन्होंने 3 तलाक बिल के हक में वोट डालकर इसे कानून की शक्ल दी है। इसके लिए मुस्लिम महिलाएं, बहनें और माताओं को अब खौफनाक जीवन जीना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लगातार 1400 सालों से चली आ रही सामाजिक बुराई का खात्मा हुआ है और ये साहस मोदी सरकार ने दिखाया है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के कानून शक्ल अख्तियार करने के बाद मुस्लिम महिलाएं कानूनी तौर पर ताकतवर हुई हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की तर्ज पर देश में मुस्लिम मैरिज एक्ट लाया जाना चाहिए, जिसमें निकाह, हलाला और बहुपत्नी प्रथा का अंत किया जाना बेहद जरूरी है। कहते हैं कि जहां मां नैना देवी की महिमा अपरंपार है, वहीं पर भक्तों की भक्ति भी अनूठी है। इस अनूठी भक्ति की कई उदाहरण आजकल श्रावण अष्टमी नवरात्रों के दौरान माता श्री नैना देवी के दरबार में देखने को मिल रहे हैं। ऐसी भक्ति जिसे आप भी सुनकर देखकर हैरान हो जाएंगे। पंजाब के विभिन्न शहरों से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग श्रद्धालु जहां पर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु दंडवत करते हुए मां के दरबार में आते हैं, पेट के बल लेटकर मां के दरबार पहुंच रहे हैं। वहीं कई श्रद्धालु झंडे लेकर, बड़े बड़े झंडे लेकर माता के दरबार में पहुँचते हैं। माँ भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हालांकि ऐसा ही एक श्रद्धालु जो लगभग 110 किलोमीटर पैदल पंजाब के समराला से चलकर मां के दरबार में पहुंचा, हालांकि पैरों में पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरे पर थकान की कोई लकीर नजर नहीं आई। चेहरे पर मुस्कान और मुख से मां के जयकारे, ऐसा अद्भुत नजारा
देखने को मिला। इस श्रद्धालु का नाम रमनदीप है, जो कि समराला का रहने वाला है और शहर से लगभग 110 किलोमीटर का लंबा सफर 36 घंटे में पूरा करके ये माता के दरबार में श्रवण मेले के दौरान हाजिरी लगाने के लिए पहुंचा। इसका कहना था कि माता नैना देवी उन्हें शक्ति प्रदान करती है इस प्रकार की कठिन यात्रा करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का जत्था, जो कि पंजाब के मूलापुर से पेट के बल लेटकर मां के दरबार पहुंचा, उनमें पंजाब के गांव से आए थे। उनका कहना था कि लगभग 50 वर्षों से इसी तरह से पेट के बल चलकर झंडा लेकर मां के दरबार में पहुंचते हैं, मां उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा ही एक दल पंजाब के रामपुरा फुल क्षेत्र से आया, जो कि बड़े बड़े दो झंडे लेकर माता के दरबार में पहुंचे और माता का गुणगान किया। उन्होंने बताया कि माता रानी की कृपा से वे कई वर्षों से प्राचीन परंपराओं के मुताबिक झंडे लेकर यहाँ पहुँचते हैं। पहले बुजुर्ग आते थे और अब वे आ रहे हैं, तो ऐसी मान्यताएं हैं और जिनको लेकर वे वहाँ पे पहुँचे हैं।